हिट एंड रन केस के कानून में हुए बदलाव का विरोध हल्द्वानी में भी देखने को मिल रहा है। रोडवेज चालकों की हड़ताल शुरू हो गई है, जिसके चलते बस स्टेशन में बड़ी संख्या में रोडवेज की बस खड़ी है। इससे यात्रियों को भी खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं प्राइवेट टैक्सी वाले मन मुताबिक रकम वसूल रहे हैं। यात्रियों का कहना है कि रोडवेज के अधिकारी बस चलने की बात कह रहे हैं, पर बस कब तक चलेंगी इस बात से वह भी अनजान है। आपको बता दें कि हिट एंड रन कानून में हुए बदलाव का विरोध पूरे देश भर में चल रहा है। सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह और एआरटीओ ने मौके पर पहुंचने के बाद रोडवेज प्रशासन से वार्ता कर समाधान की तरफ। दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। तो यहाँ पर ड्राइवर की स्ट्राइक हुई है तो कुछ चल नहीं पा रहा है। टैक्सी वालों से बात करते तो टैक्सी वाले 2000-2500 रुपए कह रहे हैं यहाँ से दिल्ली का। बस 8 बजे के करीब पहुँचे हुए हैं और 8 बजे से बसेस जो हैं लेट चल रही हैं, डीले चल रही है। हमें पता नहीं था पहले किस वजह से चल रही है, अब पता चला है कि कुछ ड्राइवर्स की स्ट्राइक वगैरह का इशू चल रहा है तो उस वजह से लेट हो रही है। लेकिन ये कन्फर्म नहीं बता रहे, जैसे मेरी दिल्ली की बस है तो ये कन्फर्म नहीं बता रहे कि दिल्ली प्रॉपर पहुँचेगी कि नहीं पहुँचेगी। मेरे को हरिद्वार जाना है। एक तो मैं सवेरे 10 बजे से आ गया हूँ, सुबह आके मैंने यहाँ हरिद्वार वाली बस देखी तो यहाँ पे खड़ी हुई थी, पहले से खड़ी थी। फिर मैंने अंदर काउंटर में पूछा कि किस समय से बस लगेगी, तो कहते बस तो है ही, ड्राइवरों ने हड़ताल कर रखी है, ड्राइवर चल नहीं रहे हैं यहाँ से। तो मैंने कहा क्या सुबेरे से बस चली गई यहाँ से, तो उन्होंने कहा नहीं बस आई, ड्राइवर ही नहीं आ रहे हैं तो बस कहाँ से चलेगी। वैसा भी है ना, देखो अगर कोई एक्सीडेंट हमसे होता है सबसे पहले पब्लिक हमारे ऊपर अटैक करती है, ठीक है। नहीं हम अगर सूचना देने लगते हैं बचेंगे नहीं, जब हमारे पास अटैक हो जाएगा, हमारा हाथ टूट जाए, पैर टूट जाए, बाद अगर आप फिर पुलिस हमें परेशान करेगी। अगर कोई अगली पार्टी जिसका एक्सीडेंट हो गया वो अगर वहाँ पैसे देगी, अगर कोई बात करती तो हमारे ऊपर तो हिट एंड रन का लग जाएगा। यहाँ पर सभी लोग रोडवेज के अधिकारी भी हैं, एआरटीओ मैडम भी हैं, पुलिस प्रशासन सभी लोग, हम लोगों ने इनसे बात करी है। जो कानून लागू करने के लोग बात कर रहे हैं पूरे देश के लिए लागू हो रहा है और उसमें अभी इस स्तर पर अभी लागू भी नहीं हुआ है, उच्च स्तर पर भी डिसीजन लिया जाना है, तो इनको ये समझाने का प्रयास किया गया है कि आपकी जो भी मांग है, आपका जो भी विरोध है वो आप लिखकर भी दे सकते हो, उसको हम ऊपर तक उसमें तत्काल भेजेंगे। और इसमें यहाँ पर जो पब्लिक परेशान हो रही है उसमें की परेशानी ना हो, आप लोग अपना आवागमन जारी रखो, जहाँ कहीं भी बस रोकी जा रही है वहाँ के भी अधिकारियों से बात करके इनको सुरक्षा प्रदान कराई जाएगी। मुख्यालय पौड़ी के बस अड्डे पर वाहन चालकों ने हिट एंड रन कानून के विरोध में नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। इस मौके पर वाहन चालकों का कहना था कि हिट एंड रन कानून के विरोध में पूरे देश और प्रदेश में जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, जिसको लेकर बताया गया है कि वाहन चालकों की आर्थिक स्थिति कमजोर होती है। ऐसे में इस तरह के कानून थोपे जाने से यदि वाहन चालक से कोई गलती होती है तो उसके अलावा उसके परिवार को भी उसे गलती का खामियाजा इस कानून के जरिए भुगतना पड़ेगा। इस मौके पर वाहन चालकों ने हिट रन कानून को वापस लिए जाने की मांग की। पौड़ी से मुकेश पछैती की रिपोर्ट। सरकार ने जो काला कानून ड्राइवरों के खिलाफ निकाला है ये हमें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, और हमारी जो हड़ताल अभी सिर्फ 2 दिन की है, उसके बाद आगे की रणनीति बनाई जाएगी। इसमें क्या जो प्राइवेट वाहन चल रहे हैं उनके विरुद्ध कुछ कार्रवाई? प्राइवेट वाहनों के बारे में हमने कई बार आईटीओ से शिकायत की है, लेकिन उसने भी अभी तक कोई कदम नहीं उठाया। परिवहन विभाग जो है नींद में सो रखा है, सिर्फ टैक्सी वालों के पीछे पड़ा रहता है।